हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके यूट्यूब चैनल SS स्टडी 2.0 में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे वीकली करंट अफेयर जो कि एक जून से 6 जून तक के टॉप 50 क्वेश्चन, कितना टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जो कि ऑल एग्जाम के लिए। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं। और दोस्तों हाँ, इस क्लास की PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जो कि टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, तो देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर एक देखते हैं क्या। देखिएगा फास्ट देखेंगे वीकली करंट अफेयर, चलिए चलते हैं क्या है। कोरोना वायरस के बीच किस कंपनी ने 2 इंसानों को अंतरिक्ष भेजकर इतिहास रच दिया, तो याद रखिए किसने, तो याद रखिए जो कि स्पेस एक्स है जो कि अमेरिका की, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिए क्या, कोरोना वायरस के बीच किस कंपनी ने 2 इंसानों को अंतरिक्ष भेजकर इतिहास रच दिया है, तो याद रखिए स्पेस एक्स ने, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या। देखिए भारत के सबसे बड़े राइट्स इशू में सफलता हासिल करने के बाद किस कंपनी ने 10 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन हासिल कर लिया, तो याद रखिए किस कंपनी ने, तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिए क्या, भारत के सबसे बड़े राइट्स इशू में सफलता हासिल करने के बाद किस कंपनी ने जो कि 10 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन हासिल कर लिया, तो याद रखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम से एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता की शुरुआत की है, तो किस नाम से, तो याद रखिए मेरा जीवन मेरा योग, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिए क्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा जीवन मेरा योग नाम से एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता की शुरुआत की है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या, निम्न में से किस राज्य सरकार ने जून से शराब पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने की घोषणा की है, तो याद रखिए किस राज्य सरकार ने, तो याद रखिए पंजाब राज्य सरकार ने, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिए क्या है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने जून से शराब पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने की घोषणा की है, तो याद रखिए पंजाब राज्य सरकार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए क्या है, भारत के किस शहर में कोरोना वायरस रोगियों के इलाज के लिए रेलवे का पहला आइसोलेशन कोच लगाया गया, तो याद रखिए कहाँ पे, तो याद रखिएगा दिल्ली शहर में, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिए क्या है, भारत के किस शहर में कोरोना वायरस रोगियों के इलाज के लिए रेलवे का पहला आइसोलेशन कोच लगाया गया, तो याद रखिए दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे क्या। देखिएगा स्टूडेंट्स को शहरी क्षेत्र में बेहतर ऑप्शन देने के उद्देश्य से किसने पहले द अर्बन लर्निंग जो कि इंटर्नशिप प्रोग्राम उसके पोर्टल की शुरुआत की है, तो याद रखिए किसने की है, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम की, तो याद रखिएगा तो हरदीप पुरी ने, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिए क्या, स्टूडेंट को शहरी क्षेत्र में बेहतर ऑप्शन देने के उद्देश्य से किसने पहले द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम उसके पोर्टल की शुरुआत की है, तो याद रखिएगा हरदीप पुरी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इस वर्ष के लिए किसने हैदराबाद ओपन बैडमिंटन का आयोजन रद्द कर दिया है, तो याद रखिए किसने कर दिया, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या है, इस वर्ष के लिए किसने हैदराबाद ओपन बैडमिंटन का आयोजन रद्द कर दिया, तो याद रखिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या, निम्न में से किसने गोल्ड मिनी और सिल्वर किलो ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत की है, तो याद रखिए किसने की है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या है, निम्न में से किसने गोल्ड मिनी और सिल्वर किलो ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत की है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे क्या है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का चुनाव कब कराया जाना निर्धारित हुआ है, तो याद रखिए कब कराए जाने, तो याद रखिए 17 जून, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का चुनाव कब कराए जाना निर्धारित हुआ है, तो याद रखिए 17 जून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे क्या, केंद्र सरकार ने देश के छोटे व्यवसायों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किसकी शुरुआत की है, तो याद रखिए किसकी शुरुआत की है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका मुद्रा शिशु ऋण की, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या, केंद्र सरकार ने देश के छोटे व्यवसायों लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किसकी शुरुआत की है, तो मुद्रा शिशु ऋण की, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, निम्न में से किसके द्वारा दुर्लभ बिच्छू मछली की खोज की गई है, तो याद रखिए किसके द्वारा, तो याद रखिए केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान द्वारा, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या,
निम्न में से किसके द्वारा दुर्लभ बिच्छू मछली की खोज की गई? तो याद रखिए केंद्रीय समुद्री मत्स्य जो कि अनुसंधान संस्थान द्वारा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के समझौता पर को मंजूरी दी है? तो याद रखिए किस देश के साथ, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा भूटान के साथ। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के समझौता पर को मंजूरी दी है? तो याद रखिए भूटान के साथ। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नव नियुक्त मुख्य प्रबंधक निदेशक का नाम बताइए? तो दोस्तों कौन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका, तो कौन है, तो याद रखिएगा रविंदर सिंह ढिल्लो। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। कौन है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नव नियुक्त मुख्य प्रबंधक निदेशक का नाम है, तो याद रखिएगा रविंदर सिंह ढिल्लो, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिएगा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के कितने इंस्टीट्यूट टॉप 100 में शामिल हुए? तो याद रखिए कितने हुए, तो याद रखिए 8 इंस्टीट्यूट, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के कितने इंस्टीट्यूट टॉप 100 में शामिल हुए? तो 8 इंस्टीट्यूट, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 देखेंगे। क्या देखिएगा निम्न में से किस वर्ष पुरानी एटलस साइकिल कंपनी ने आर्थिक तंगी के कारण फैक्ट्री में काम रोक दिया है? तो याद रखिए किस वर्ष, कितने वर्ष पुरानी है, तो याद रखिएगा 69 वर्ष, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या निम्न में से किस वर्ष पुरानी एटलस साइकिल कंपनी ने आर्थिक तंगी के कारण फैक्ट्री में काम रोक दिया है? तो याद रखिए 69 वर्ष पुरानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्या इंस्टाग्राम से अकेले करीब 18 करोड़ रुपए कमाकर कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाने के मामले में पहले स्थान पर है? तो याद रखिए कौन है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, याद रखिएगा। इंस्टाग्राम से अकेले करीब 18 करोड़ जो कि रुपए कमाकर कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाने के मामले में पहले स्थान पर है? तो याद रखिएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, याद रखिए। विराट कोहली दोस्तों तीसरे नंबर पर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, देखिएगा क्या फोर्ब्स के द्वारा जारी वर्ल्ड हाईएस्ट पेड टॉप 100 सेलिब्रिटीज में भारत का कौन सा एकमात्र सेलिब्रिटी शामिल है? तो याद रखिए कौन है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिएगा अक्षय कुमार, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। कौन है, तो फोर्ब्स के द्वारा जारी वर्ल्ड हाईएस्ट पेड टॉप 100 सेलिब्रिटीज में भारत का कौन सा एकमात्र सेलिब्रिटी शामिल है? तो याद रखिएगा अक्षय कुमार, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्या विदेश से लौट रहे भारतीयों को देश में ही रोजगार देने के लिए सरकार ने कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो याद रखिए कौन सी की है योजना की शुरुआत, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा स्वदेश योजना की शुरुआत की है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या विदेश से लौट रहे भारतीयों को देश में ही रोजगार देने के लिए सरकार ने कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो स्वदेश योजना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। निम्न में से कितने वर्ष के बाद भारत में महिला एशिया फुटबॉल कप 2020 का आयोजन किया जाएगा? तो याद रखिए कितने वर्ष बाद, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 42 वर्ष बाद, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या निम्न में से कितने वर्ष के बाद भारत में महिला एशिया फुटबॉल कप 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो 42 वर्ष बाद, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, देखिए क्या मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने किस देश की क्रेडिट रेटिंग को BAA2 से BAA3 कर दिया? तो याद रखिए किस देश की रेटिंग, तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा भारत की, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने किस देश की क्रेडिट रेटिंग को BAA2 से BAA3 कर दिया? तो याद रखिए भारत की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्या देखिएगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का चुनाव कब कराए जाना का निर्धारित हुआ? तो याद रखिएगा दोस्तों ये दोबारा हो गया क्वेश्चन, याद रखिए रिपीट हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये रिपीट हो गया। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखिएगा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किस भू क्षेत्र में आपातकाल लगाने की घोषणा की है? तो याद रखिए किसमें, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिएगा साइबेरिया में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किस भूक्षेत्र में आपातकाल लगाने की घोषणा की है? तो याद रखिए साइबेरिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे क्या, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम निम्न में से क्या है? तो याद रखिए कौन क्या है, तो याद रखिए जैव विविधता, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम निम्न में से क्या है? तो याद रखिए जैव विविधता, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देखिएगा क्या है क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। हॉकी इंडिया ने महिला टीम की कप्तान रानी का नाम किस अवार्ड के लिए नामांकित किया? तो याद रखिए किस अवार्ड के लिए, तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा खेल रत्न के लिए, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। बैंक बोर्ड भी उन्होंने हाल ही में SBI में चौथे MD के पद के लिए किसके नाम को मंजूरी दे दिया? तो याद रखिए किसके नाम को, तो याद रखिए अश्विनी भाटिया, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देखिएगा क्या केंद्र सरकार ने देश के किसानों को राहत देने के लिए खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो याद रखिए कितने प्रतिशत, तो याद रखिए 50 से 83% की, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। क्या केंद्र सरकार ने देश के किसानों को राहत देने के लिए खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो याद रखिए 50 से 83%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, देखिए क्या 5 जून को विश्वभर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिए कौन सा दिवस, तो याद रखिए विश्व पर्यावरण दिवस, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिए। क्या है 5 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिए विश्व पर्यावरण दिवस, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे क्या, मारुति सुजुकी को पीछे छोड़कर किस कंपनी की क्रेटा भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई? तो याद रखिए किस कंपनी की, तो याद रखिए हुंडई की, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या है मारुति सुजुकी को पीछे छोड़कर किस कंपनी की क्रेटा भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई? तो याद रखिए हुंडई की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए उदय कोटक को किस संगठन का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है? तो याद रखिए किसका, तो याद रखिए भारतीय उद्योग परिसंघ का, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या वित्त वर्ष 2020-21 के लिए उदय कोटक को किस संगठन का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा भारतीय उद्योग परिसंघ का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे क्या, जिलोमोल मैरियट जो कि मैरियट थॉमस बिना हाथों से कार चलाने वाली एशिया की महिला बन गई हैं, तो कितने नंबर की? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा पहली महिला, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिए। क्या जिलोमोल मैरियट थॉमस बिना हाथों से कार चलाने वाली एशिया की महिला बन गई है, तो याद रखिए पहली महिला है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे क्या, अनुसंधानकर्ताओं की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने किस नाम के एक पृथ्वी जैसे ग्रह के होने की पुष्टि की है? तो याद रखिए किस नाम से, तो याद रखिए प्रोक्सिमा बी, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या अनुसंधानकर्ताओं ने जो कि एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने किस नाम के एक पृथ्वी जैसे ग्रह के होने की पुष्टि की है? तो याद रखिएगा, तो याद रखिए प्रोक्सिमा बी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, देखिए क्या एशिया विकास बैंक ने किस राज्य में सड़क परियोजना के लिए 17.7 करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है? तो याद रखिए किसके लिए, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका महाराष्ट्र राज्य के लिए, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या एशिया विकास बैंक ने किस राज्य में सड़क परियोजना के लिए 17.7 करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है? तो याद रखिए महाराष्ट्र के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष किसको हाल ही में ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया? तो याद रखिए किसको किया गया, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका नरेंद्र बत्रा को, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। या भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष किसको हाल ही में ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया? तो याद रखिए नरेंद्र बत्रा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए वित्तीय परिणामों का समय पर खुलासा नहीं करने पर किसने NHIAI पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो देखिए किस पर, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा सेवी पर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या है
वित्तीय परिणामों का समय पर खुलासा नहीं करने पर किसने NHAI पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, तो याद रखिएगा सेबी पर, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे क्या है। विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव रवीश कुमार को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया, तो याद रखिए किस देश में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका, तो याद रखिए फिनलैंड, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या है, विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव रवीश कुमार को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया, तो फिनलैंड में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, निम्न में से किस देश की सरकार ने किस अन्य के घर पर 2 या उससे अधिक लोगों को एक साथ निजी तौर पर रात गुजारने पर प्रतिबंध लगाया है, याद रखिए किस सरकार ने, तो याद रखिए ब्रिटेन सरकार ने, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिए क्या, निम्न में से किस देश की सरकार ने किस अन्य के घर पर 2 या उससे अधिक लोगों को एक साथ निजी तौर पर रात गुजारने पर प्रतिबंध लगाया, तो ब्रिटेन सरकार ने, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे क्या, अमेरिका में यूजर की सूचना एकत्र करने के आरोप में गूगल पर कितने करोड़ रुपए का मुकदमा किया गया, तो याद रखिए कितने करोड़ रुपए का, तो याद रखिए $5 अरब का, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिए क्या, $5 अरब का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे क्या, देखिए कोरोना महामारी के बावजूद भी किस देश ने भारत को समय पर राइफल विमान देने की घोषणा की है, तो याद रखिए किस देश ने, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाए फ्रांस ने, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या, कोरोना महामारी के बावजूद भी किस देश ने भारत को समय पर राइफल विमान देने की घोषणा की है, तो याद रखिए फ्रांस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या, देखिए भारत और किस देश के बीच वर्चुअल समिट में रक्षा और टेक्नोलॉजी सहित 7 समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो अभी किस देश के साथ, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या, भारत और किस देश के बीच वर्चुअल समिट में रक्षा और टेक्नोलॉजी सहित 7 समझौते पर हस्ताक्षर हुए, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या, देखिएगा केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास करने को मंजूरी दे दी है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। क्या है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास करने की मंजूरी दे दी है, याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या, देखिएगा हाल ही में किसने CAPF में गैर स्वदेशी उत्पादों को हटाने के फैसले पर रोक लगा दी है, तो याद रखिए किसने, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका गृह मंत्रालय ने, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या, हाल ही में किसने CAPF में गैर स्वदेशी उत्पादों को हटाने के फैसले पर रोक लगा दिया, तो गृह मंत्रालय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या, देखिए बॉलीवुड की मशहूर संगीतकार जोड़ी साजिद वाजिद में से वाजिद खान का हाल ही में कितने साल की उम्र में निधन हो गया, तो याद रखिए कितने साल की उम्र में, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाए 42 साल की उम्र में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या, बॉलीवुड की मशहूर संगीतकार जोड़ी साजिद वाजिद में से वाजिद खान का हाल ही में कितने साल की उम्र में निधन हो गया, तो याद रखिए 42 साल की उम्र में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे क्या, भारत हाल ही में कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित 10 देशों की सूची में 9वें से कौन से स्थान पर पहुंच गया, तो याद रखिए कौन से स्थान पर पहुंच गया, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका 7वें स्थान पर, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या, भारत हाल ही में कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित 10 देशों की सूची में से क्योंकि 9वें से कौन से स्थान पर पहुंच गया, तो याद रखिए 7वें स्थान पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, देखिएगा रेसलिंग फेडरेशन ने लगातार कौन से वर्ष खेल रत्न के लिए विनेश फोगाट का नाम भेजा है, तो याद रखिए कौन से वर्ष के लिए, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 2वें वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या, रेसलिंग फेडरेशन ने लगातार कौन से वर्ष के खेल रत्न के लिए विनेश फोगाट का नाम भेजा, तो याद रखिए 2वें वर्ष के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या, देखिएगा कैरेट इंडिया की मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो याद रखिए किसे किया, तो याद रखिए अनीता कोटवानी को, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या, कैरेट इंडिया की मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया, तो याद रखिए अनीता कोटवानी को, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे क्या, BCCI ने वर्ष 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस खिलाड़ी का नाम नामांकित करने की घोषणा की है, तो याद रखिए किस खिलाड़ी का, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिएगा
रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या बीसीसीआई ने वर्ष 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस खिलाड़ी का नाम नामांकित करने की घोषणा की है? तो रोहित शर्मा की, याद रखिएगा। चलिए, ब्राजील के पूर्व उप अर्थव्यवस्था मंत्री रहे मार्कोस ट्रायोजो को हाल ही में किस बैंक का अगला अध्यक्ष चुना गया है? तो याद रखिए किस बैंक का। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, तो याद रखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिए। क्या ब्राजील के पूर्व उप अर्थव्यवस्था मंत्री रहे मार्कोस ट्रायोजो को हाल ही में किस बैंक का अगला अध्यक्ष चुना गया? तो याद रखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं दोस्तों, क्या देखिए इस्पात मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखिए किसे नियुक्त किया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रदीप कुमार त्रिपाठी को, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या इस्पात मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा दोस्तों प्रदीप त्रिपाठी को, याद रखिए प्रदीप कुमार त्रिपाठी को। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो कमेंट और लाइक करके जरूर बताइएगा दोस्तों, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज थोड़ा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जो आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो चलिएगा, चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।